अगली खबर है बेमेतरा से, जहां पुराना बस स्टैंड सिग्नल चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में रेल सेवा को रद्द किया जा रहा है। कांग्रेस ने रद्द ट्रेनों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और मोदी सरकार पर हमला बोला है। बीते कुछ महीनों 2600 से अधिक ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण प्रदेश के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेन बिना किसी कारण के रद्द किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही। वहीं कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सभी जिला मुख्यालयों में ट्रेन जो ट्रेनों की व्यवस्थाएं हैं वो निरंतर रोकी जा रही हैं, बंद की जा रही है। महंगाई के दौर में भी रेलवे टिकट को बढ़ावा दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इसके विरोध प्रदेश विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सभी जिला मुख्यालयों में आज ये धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में और प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालयों में रेल के परिचालन बंद किए जाने के विरोध में हम सब कांग्रेस जन आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए यह आंदोलन आज हम सब आयोजित किए थे। और महंगाई जो चरम सीमा पर है और आज अभी के समय में जो तीज त्योहारों का समय है, ऐसे समय में हमारी बहनों के आवाजाही में, लोगों के आवाजाही में जो व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, इसके विरोध में हम सब एकजुट होकर केंद्र सरकार के विरोध में ये आज का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।